हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी सिम की अगर आप कॉल डिटेल्स निकालना चाहो, किसी भी नंबर की अगर आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहो तो किस तरीके से और क्या सही तरीका है कॉल हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स निकालने की किसी भी सिम का। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिम को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सिम है जिसका आप कॉल हिस्ट्री कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं। अगर एयरटेल का सिम है आपका, उसका हिस्ट्री निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में एयरटेल इस तरीके से लिखकर सर्च कर लेना है। उसके बाद इसका ऐप आपको देखने को मिल जाता है इस सिम का कॉल डिटेल्स निकालने के लिए। इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। बट अगर आपका वीआई का सिम है फ्रेंड्स, जिसका आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, उसे आपको इस तरीके से लिखकर सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीआई का ऐप देखने को मिल जाएगा, इसके द्वारा आप कॉल हिस्ट्री को अपने वीआई सिम का निकाल सकते हो। बट अगर आपका जियो का सिम है फ्रेंड्स, तो जिसका आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको माई जियो ऐप लिखकर इस तरीके से सर्च कर लेना है। तो जिस भी कंपनी का आपका सिम होगा उसे आपको उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि मेरा जियो का नंबर है, उसका मैं कॉल हिस्ट्री निकालना चाहता हूँ, तो इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स कॉल डिटेल्स निकालने की, बस आपको ऐप की अंतर होता है फ्रेंड्स, ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। जिस भी कंपनी का आपका सिम होगा उस कंपनी का आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी का आपका ऐप होगा, सिम होगा, जिसका कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, उस ऐप को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। मेरा जियो का सिम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जियो ऐप को ओपन कर लूँगा। प्रोसेस सेम है फ्रेंड्स कॉल डिटेल्स निकालने की, बस आपको यहाँ पर समझने की दिक्कत है। यहाँ पर आपको अब आपका जियो का नंबर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना जियो का नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। अगर आपका एयरटेल का नंबर है तो फ्रेंड्स, एयरटेल के थैंक्स ऐप में आपको एयरटेल का नंबर डालकर लॉगिन हो जाना है। अगर आपका वीआई का नंबर है फ्रेंड्स, उसका कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, तो आपको वीआई के ऐप में आपको अपना वीआई का नंबर डाल के उसमें लॉगिन हो जाना है। पहला काम तो यही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डालकर लॉगिन हो जाते हैं अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर परमिशन कोई अलाउ मांगता है तो अलाउ कर देते हैं। उसके बाद एक बार ओटीपी आएगी, उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सर्च ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो। इसी सर्च ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में भी सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, वीआई के ऐप में भी सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च करना है माई स्टेटमेंट। इस तरीके से आप लिख कर सर्च करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक माई स्टेटमेंट करके ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। हर एक ऐप में आपको इसी तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट ऑप्शन का। तो यहाँ पर अगर ईमेल द्वारा स्टेटमेंट आप अपने ईमेल में डाउनलोड करना चाहते हो, मंगाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। बट अगर आप अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, कॉल डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहते हो, कॉल हिस्ट्री को डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। बट अगर आप चाहते हो कि स्टेटमेंट को देखना चाहते हो, यानी कि कॉल हिस्ट्री कॉल डिटेल्स को आप सिर्फ देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हर एक ऐप में देखने को मिल जाता होगा, एयरटेल थैंक्स ऐप में भी देखने को मिल जाता होगा, वीआई के भी ऐप में इस तरीके से देखने को मिल जाता होगा। अब यहाँ पर पिछले जिस दिन की आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो, उसे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हो 15 दिन की कॉल हिस्ट्री पिछले दिन की निकालना, तो फ्रेंड्स 15 दिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। अगर आप चाहते हो 30 दिन की कॉल हिस्ट्री को निकालना, तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि 180 दिन की कॉल हिस्ट्री निकालना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कस्टम डेट्स पर क्लिक करके आप कस्टमाइज कर लीजिएगा कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक मैं पिछले अपने कॉल हिस्ट्री को देखना चाहता हूँ, कॉल डिटेल्स को देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज डेट पर क्लिक करके इसी तरीके से एयरटेल थैंक्स ऐप में और वीआई के ऐप में कस्टम डेट पर क्लिक करके 180 दिन की भी आप कॉल हिस्ट्री को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको व्यू स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही व्यू स्टेटमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा कि इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूजेज चार्जेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना। यूजेज चार्जेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक डाटा, एक वॉइस, एक एसएमएस।
एसएमएस का। तो मैं यहाँ पर वॉइस का, यहाँ पर कॉल डिटेल्स निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वॉइस के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही वॉइस के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी क्लिक हेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक हेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, जितने भी डेट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके पिछले दिन की आपकी कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, यानी कि सभी कॉल हिस्ट्री आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी सिम का कॉल हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स को निकालना चाहो तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।